नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन के अंदर दोस्तों इस तरह का फॉल्ट क्यों होता है, आप देख लीजिए। कहीं से भी सीलिंग फैन है वो जला नहीं है, बल्कि इस तरह से वायर है वो फट गए हैं। ये देखिए इस तरह से वायर है वो फट जाते हैं। तो इनका रीज़न क्या होता है, इस तरह से क्यों ये फैन है वो शॉर्ट होता है, स्पार्क होकर ये वायर क्यों जल जाते हैं? तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो भी फैन है वो जलता है वो पूरा कंप्लीट जलता है। अगर फैन में कुछ भी कमी हुई है तो वो पूरा जलेगा, या तो रनिंग का पूरा सेट जल जाएगा या फिर स्टार्टिंग का पूरा सेट जल जाएगा। पर इस तरह का फॉल्ट क्यों होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में 230 की जगह 230 वोल्ट होते हैं, उनकी जगह 11,000 वोल्ट हमारे घरों में आ जाते हैं। इस कारण इस तरह की जो शॉर्ट है वो हो जाता है। अब आप देख सकते हो, अब इस फैन में हुआ क्या है, 11,000 वोल्ट के कारण इस तरह से आप देख सकते हो। ये देखिए इस तरह का वायर है वो जला हुआ है, ये देखिए फट गया है। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से फट गया है वायर, यहाँ से फिर यहाँ से फट गया, इस तरह का भी फॉल्ट है वो फैन में देखने को हमको मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से, आपके पास भी इस तरह का फैन आता है, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, इस तरह का फॉल्ट मिल जाएगा जो 11,000 वोल्ट के कारण होता है। तो ये फैन है वो पूरा नहीं जला है, ये फॉल्ट हुआ है कोयल। तो मैं ये कोयल ही इसमें डालूंगा, क्योंकि इसे पूरे फैन को वाइनिंग करना गलत होगा। तो मैं ये कोयल निकाल कर दूसरा कोयल इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको पता लग चुका होगा कि इस तरह का फॉल्ट हमें देखने को क्यों मिलता है। तो 11,000 वोल्ट हमारे घरों में दौड़ता है, तो इस तरह का दिक्कत हमें देखने को मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।